वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो रिमेनिंग पार्ट था, ठीक है, बी वाला, हाँ हमने पढ़ लिया था, जो आपका बी वाला भाग था, ठीक है, बचा हुआ, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या तो इसमें कह रहा था संघनन बहुलीकरण, संघनन बहुलीकरण की क्रियाविधि, क्रिया विधि क्या करना है, संघनन पॉलीकरण बहुलीकरण की क्रिया विधि पूछ रहा है, यानी कि समझाइए। तो यहाँ पर आपका जो बी पोर्शन बचा हुआ था, मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि संघनन बहुलीकरण की मैकेनिज्म या क्रिया विधि को हम जानेंगे इसमें, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है, किस तरह से इसमें रिएक्शन होगी। कह रहा है यह है पॉलीमराइजेशन की, किसकी, पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण की, वह टाइप है या वह प्रकार है जिसमें मोनोमर अणु आपस में क्रिया कर पॉलीमर बनाते समय, जिसमें क्या होता है मोनोमर अणु जो आपके छोटे छोटे एकलक होते हैं वो क्या करते हैं आपस में क्रिया करते समय, ठीक है, क्रिया कर पॉलीमर बनाते समय एक छोटे अणु जैसे आपका H2O हो गया, CH3OH हो गया आदि को त्याग देते हैं। क्या कर देते हैं, H2 और CH3OH, आपका एल्कोहल और वाटर, इनमें से इस तरह के अणु छोटे छोटे अणुओं को क्या कर देते हैं निकाल देते हैं। कब, जब बात आ जाए कंडेंसेशन की, ठीक है, कंडेंसेशन की अगर बात आ जाए, संघनन की अगर बात आ जाए, तो इसमें क्या होगा पॉलीमराइजेशन किया, ये एक वह प्रकार है जिसमें क्या होता है मोनोमर या एकलक आपस में क्रिया करके, आपस में जुड़ करके पॉलीमर बनाते समय या बहुलक बनाते समय क्या करते हैं एक छोटे से अणु जैसे कि आपका H2O हो गया और आपका एल्कोहल हो गया, ठीक है, इनको क्या कर देते हैं त्याग देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि इस क्रिया, इस प्रकार बनने वाले पॉलीमर में क्या मोनोमर का सूत्र बदल जाता है, भाई जब कुछ ना कुछ कुछ एटम्स या ग्रुप वहां से निकल रहे हैं तो उसका सूत्र भी कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा, सूत्र में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब मोनोमर में दो समूह होते हैं तो लीनियर पॉलीमर बनता है, दो समूह अगर आपके होंगे तो क्या बनेगा लीनियर पॉलीमर बनेगा, ठीक है, कैसा होगा रेखीय बहुलक होगा आपका, और जब दो से अधिक समूह होते हैं तो क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है, कैसा बनता है क्रॉस लिंक पॉलीमर आपको देखने को मिलेगा, कब, जब दो से अधिक आपके समूह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से इसमें कंडेंसेशन होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आपको दे रखा है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, क्या दे रखा है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब कि इसमें क्या होगा दो OH ग्रुप आपके लगे होंगे, तो यहां पर जो R है इस पे एक OH तो ये लगा है और दूसरा आपका OH यहां पर लगा होगा, ठीक है, एक OH प्लस दूसरा OH, यानी कि क्या होगा HOR और इधर भी क्या होगा OH, ठीक है। तो ये आपका है डाइहाइड्रिक, क्या है ये आपका डाइहाइड्रिक, यानी कि कार्बन से दोनों तरफ आपके क्या लगे हुए हैं OH OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, थीके? तो ये क्या हो गया R, एक OH ये और एक OH ये, अब आपका बन गया डाइहाइड्रिक एल्कोहल प्लस, ये क्या है आपका प्लस, साथ में क्या दे रखा है डाई बेसिक एसिड, क्या दे रखा है डाई बेसिक एसिड। तो डाई बेसिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये वो एसिड होते हैं जो जल में घोलने पर दो हाइड्रोजन आयन आपके रिलीज करते हैं, क्या करते हैं दो हाइड्रोजन आयन आपके रिलीज करते हैं, तो उनको हम कहते हैं डाई डाई बेसिक एसिड, क्या कहते हैं डाई बेसिक एसिड कहते हैं जो दो एच प्लस आयन के एच प्लस आयन को रिलीज करें, ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा H2SO4 और आपका ऑक्सैलिक एसिड, ये सभी क्या है आपके डाइहाइड्रिक है, ठीक है, क्या है H2SO4 और आपका ऑक्सैलिक एसिड, ये सब क्या है आपके डाइहाइड्रिक है, ठीक है, कैसे हैं DH, ठीक है, डाइहाइड्रिक। अब यहां पर हमने क्या ले लिया, एक आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, दूसरा डाई बेसिक एसिड है, सॉरी दूसरा क्या आपका डाई बेसिक एसिड है, ठीक है, ये क्या करेगा दो प्रोटॉनों को रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा, या तो क्या करते हैं ये जल के मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं या आपके ये एल्कोहल के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं, तो यहां पर क्या होगा आपका ये CH2, ठीक है, CH2 और COOH, CH2 COOH, तो यहां पर ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है, दोनों तरफ क्या है सिंगल बॉन्ड, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है,
ये दो हाइड्रोजन लगे हैं इस पर, और क्या लगा हुआ है, सी डबल ओ एच कुछ इस तरह से, और इस पर भी सी डबल ओ एच। तो ये आपका है डाई बेसिक एसिड, ठीक है, ये वाला, ये आपका डाई, और बी फॉर बेसिक, और ए फॉर क्या हो गया, एसिड, डाई बेसिक एसिड, ये कुछ आपका इस तरह से बना हुआ है ये वाला। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मान लो क्या निकलना है, जल निकलेगा, तो जल किस तरह से निकलेगा, ये आपका जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, इस डाईहाइड्रिक एल्कोहल का OH और इसका एक H, ठीक है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का OH और जो आपका डाई बेसिक एसिड है उसका क्या निकलेगा, H। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, जो आपका बनेगा वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका HO और उसके बाद R और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपका OH, ओ सॉरी ये नहीं है, ना 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 ना, ये अलग है कहानी आपकी, यहाँ से है, ठीक है, ये आपका OH हो गया, ये क्या हो गया आपका R हो गया, और बचा क्या था यहाँ पर आपका एक दो ऑक्सीजन बचे थे, जिसमें एक ये आ गया आपका, एक कहाँ लग गया, कार्बन डबल बॉन्ड से लग गया, ठीक है, ये वाला, फिर क्या बच गया आपका CH2 आ गया, फिर आ गया आपका सी डबल ओ एच ज्यों का त्यों आ गया, ठीक है। तो ये बना है आपका फर्स्ट स्टेप में, ठीक, ये आपका बना है किससे बना है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और डाईबेसिक एसिड से मिलकर आपका ये बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, कोई मोनोमर और आएगा, ठीक है, कोई मोनोमर आपका फिर से आ गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ये क्या है आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, ये आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल दोबारा से इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है, दोबारा से क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, और दोबारा से जब रिएक्शन करेगा तो किधर से करेगा आपका, अब इधर से करेगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा एच ओ आर और ये ओ एच, ये हो गया आपका डाई और हाइड्रिक और अल्कोहल। अब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से कहाँ से, यहाँ से ओ एच को बाहर, एच टू ओ को बाहर निकाल लेगा, जो कि क्या है ये आपका एच टू ओ बाहर निकल रहा है, ठीक है, एच टू ओ बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ से जुड़ेगा, अब ये इधर से इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है, पहले कहाँ था आपका, पहले हमने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है, जो आपका ये है, फिर क्या था आपका, और ये ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, ठीक है, कहाँ बनाएगा आपका देख लो, ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है, ठीक है, कहाँ बन रहा है, आर ओ फिर सी, उस वाले कार्बन से लगा हुआ क्या है आपका ऑक्सीजन है, इस पे नहीं लगा हुआ है, फिर आपका क्या है सी एच टू, फिर क्या है आपका सी, ठीक है, क्या है सी, ठीक है, सी एच टू फिर सी, इसी वाले कार्बन से डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इसी से क्या बन जाएगा आपका जो हमने लिया था एच ओ सिंगल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, यहाँ से आपका एच ओ निकल जाएगा, एक एक ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन आपका आर और सी के बीच में रहेगा, ठीक है, आर और सी के बीच में रहा, और क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका सेकेंड स्टेप में, ठीक है, कब हमने जब दो मोनोमर, जब दो एकलक हमने आपस में जोड़ दिए, ठीक है, दो एकलक जोड़ दिए, अभी क्या होगा यहाँ पर दो एकलक आपके जुड़ चुके हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने दो एकलक जो है आपस में जोड़ दिए हैं, और ये ऑक्सीजन हमारा कहाँ था, यहाँ पर था, अब यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपका एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, इसकी अगर हम बात करें तो एसिड जब इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो आपका एसिड दे रखा है ये फर्दर इससे रिएक्ट करेगा, तो ये कहाँ पर रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, अब ये सोचने वाली बात है, ठीक है, तो ये रिएक्ट करेगा आपका यहाँ से, कहाँ से आपका इस वाले ग्रुप से रिएक्ट करेगा, ठीक है, किससे रिएक्ट करेगा, ये जो आपका ओ एच लगा हुआ है इससे ये रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, अब देखो बनाता क्या है, ये इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये इसको आप कुछ इस तरह से लिख लो, एक एक हाइड्रोजन और एक एक हाइड्रोजन, ठीक है, क्या हो गया, एक एक हाइड्रोजन आपने लिख लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया, ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो इसको कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एच टू ओ बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका, एच टू ओ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये कार्बन आपका यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ओ आर, इसमें क्या हो गया भाई, यहाँ से आपका क्या निकल गया, मान लो एच टू ओ निकल गया, ठीक है, तो एच टू ओ जब निकल जाएगा तो एच टू ओ भाई यहाँ से एसिड वाले से निकलेगा, ये सी एच थ्री थोड़ी ना देगा, ठीक है, अब ये क्या, इसको यहाँ का हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ का आपका ओ एच,
यहां से निकलेगा आपका माइनस का H2O, ठीक है, माइनस का H2O। तो ये जो कार्बन, ये जो R है, ये जो R है वो इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। मान लो ये कौन सा है, पहला कार्बन, ये आपका दूसरा, ये थर्ड। तो जो R है वो आपका पहले वाले कार्बन से जुड़ेगा जाके, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये जो R है वो आपका कहाँ लगेगा, इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन लगा रहेगा और ये कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। तो एक ऑक्सीजन और ये आपका पहला कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। फिर क्या बचा, आपका दूसरा कार्बन आ गया, ठीक है, CH2। फिर तीसरा कार्बन आपका आ गया CH3। तो इस तरह से जो है कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ गए आपके आके, ठीक है, कितने जुड़ गए, और ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीन मोनोमर जुड़कर क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है। तीन मोनोमर यानी कि तीन एकलक जुड़कर आपस में क्या बना रहे हैं, पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या था, एक एक क्या था आपका, डाईहाइड्रिक एल्कोहल था, प्लस आपका क्या था, डाई बेसिक एसिड, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और डाई बेसिक एसिड, इन दोनों का आपको बस स्ट्रक्चर याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। तो जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल था वो क्या था आपका, आर एक ओ एच था और दूसरा ओ एच आपका इधर था। डाई बेसिक एसिड की अगर हम बात करें तो डाई बेसिक एसिड क्या था आपका, कोई ऐसा एसिड था जो आपके दो प्रोटॉन को रिलीज करता है, क्या करता है, दो प्रोटॉनों को रिलीज करता है। तो मैं बात करूँ CH2 और इसको कुछ इस तरह से लिख लो, COOH और COOH, इस तरह से लिख लो चाहे तो, और चाहे तो आपको क्या करना है, COOH CH2 COOH, चाहे इस तरह से लिख लो, ठीक है, इस तरह से लिख लो चाहे इस तरह से लिख लो। अब यहाँ यहाँ का जो OH होगा वो इस वाले एसिड के हाइड्रोजन के साथ में चला जाएगा इस तरह से, ठीक है, और क्या कर देगा, माइनस H2O आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, माइनस H2O बाहर निकल जाएगा और ये पूरा आपका आके इससे एक सीधी रेखा में जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा आपका इसका एसिड का, वो क्या करेगा, डाई जो डाई बेसिक एसिड है उसका क्या करेगा, दोबारा से रिएक्शन करेगा, कहाँ पर करेगा, जो आर ओ एच बनेगा एक दूसरे बिंदु पर या दूसरे टर्मिनल पॉइंट पर, उसके ओ एच के साथ में जो COOH ग्रुप होगा उसका हाइड्रोजन और इसका ओ एच, यहाँ से दोबारा H2 बाहर निकल जाएगा और वो फिर से एक चैन, लंबी चैन बना लेगा। अगला आएगा वो फिर कहाँ जुड़ेगा, वो दोबारा से आपका इधर ओ एच पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ओ एच पे जुड़ जाएगा, फिर क्या कर लेगा, एक और नई लंबी श्रृंखला बना लेगा। अब फिर क्या होगा, फिर इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इसमें ओ एच बचा ही नहीं, तो ऐसे यहाँ से रिएक्शन फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बहुलक, और ये क्या थी, मैकेनिज्म थी, ठीक है, किसकी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, किसकी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये था आपका संघनन बहुलीकरण, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो।